प्रोसिक्यूशन रिलीफ अपडेट में आपका स्वागत है। आपकी प्रार्थनाओं का फल आपके सामने है। हमको मालूम है कि हजारों लाखों लोगों ने आईसेक के लिए प्रार्थना किया। ये एक चुना हुआ वंश में से प्रभु ने उसको अलग किया। सॉइल टेस्टिंग का काम करता था, अच्छी नौकरी पे था। प्रभु की आवाज को सुनकर परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। जैसे आप लोगों को मालूम है, एक हफ्ते पहले इनको कुछ लोगों ने, धर्म विरोधियों ने इनको मारा और इनकी उंगलियां दो टूटी, इस हाथ की एक उंगली टूटी, इनके रिब दो टूटे, इनका यह हाथ पूरा टूटा, इसमें रॉड डला हुआ है। लेकिन इन सबसे बढ़कर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि अभी तो ये घर जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो गए। लेकिन जब हमने इनसे बात किया, जो सताने वाले लोग हैं उनके लिए आपको क्या कहना है, जिन्होंने आपको ये मारा उनसे आप क्या बोलना चाहते हो? अगर वो वीडियो इन तक पहुंचता है तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो? उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे कोई गलत काम के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे मारा। और मैं चाहूंगा कि उन लोगों को प्रभु उनको माफ करे और वो प्रभु को जाने कि वो प्रभु प्रेमी है। जिस प्रकार वो मुझसे प्रेम करता है, उसी तरह वो जो लोग मुझे मारते हैं उनसे भी वो प्रेम करता है। क्योंकि संसार में प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जगत से सारे लोगों से प्रेम करता है। तो वो नहीं जानते थे कि मैं क्या, मुझे, मैं प्रभु को क्यों प्रेम करता हूँ। शायद यही उनकी ये उनको लगा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोग प्रार्थना करें कि जिन लोगों ने ये काम किया है कि प्रभु उनको क्षमा करे और वो प्रभु में आए। इसके इतने तोड़ फड़ने के बाद गिर गया, बाइक इसके ऊपर से चढ़ाई, लेकिन आज भी यीशु का चेला होते हुए ये बोल रहा है कि इसने उसको माफ कर दिया। तुमको गुस्सा है उनके ऊपर कोई? नहीं, मुझे कोई तुम्हें कोई बदला लेने का भावना है उनके साथ? बदला ले, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो जो उन्होंने किया है वो कितना सही है कितना गलत है। प्रभु ने जो आपको आदेश दिया उसको पूरा करोगे आगे? प्रेम प्रभु का मेरे जीवन में है, वो प्रेम बना हुआ है। क्या आप निराश हो? इतने दिन से आप हॉस्पिटल में हो, इतना हजारों रुपया आपका खर्च हुआ। नहीं नहीं, मेरे को बहुत लोगों ने आपकी मदद की वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं एक हफ्ते के अंदर चल फिर रहा हूँ। बहुत बहुत गॉड विलिंग अभी ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। आईसेक के लिए आप निरंतर प्रार्थना करें और सारे लोग जिन्होंने प्रार्थना किया। हम आपको किसी भी तरह वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन हम यीशु नासरी के नाम से आप सबको आशीषित करते हैं। घृणा, बैर, ईर्ष्या, जलन और बदला का भावना छोड़कर एक दूसरे से प्रेम करें और भारत को ऐसा जगह बनाएं कि चाहे वो कौन सी जात का हो, कौन सा रंग का हो, कौन सा राज्य का हो, इन सबको अलग करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम से आगे बढ़े। ऐसे क्या बोलना चाहोगे जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे और जो आपको मदद किया जिन्होंने? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों की प्रार्थना लगातार मेरे साथ बनी रही। और भाई शिवम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे ही उनको पता चला कि मैं सीहोर में ये हुआ और उन्होंने मुझे तुरंत ही भोपाल में बुलाकर और उन्होंने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उन्होंने जिस तरह जो मदद करना चाहा वो पूरी मदद उन्होंने की। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु उनके और उनके काम को प्रभु लगातार बढ़ाता रहे। हम फ्रैक्चर हॉस्पिटल के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने सहयोग किया और जितने इनके रिश्तेदार दोस्त लोग जो ये एडमिट थे एक हफ्ते, इनका देखभाल किया, इनके लिए प्रार्थना किया, सबको आशीषित। भारत के कई ऐसे मसीही हैं जो सताए जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और जो मदद हो सके आप उनके लिए करते रहे। धन्यवाद ऐसा कम से बात करने के लिए।